दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड्स क्या है और इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं और ये कैसे काम करता है और इसका जो है बाकी सेविंग अकाउंट से और ये RDFT से जो है इसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आता है और इसमें जो इंटरेस्ट मार्केट के हिसाब से आता है, जैसे शेयर मार्केट अप या डाउन होता है उस हिसाब से इसमें जो है आपका पैसा घटता और बढ़ता रहता है, आपका जो पैसे पे इंटरेस्ट है वो कम ज़्यादा होता रहेगा। और ये कैसे काम करता है तो देखिए, सबसे पहले इस आपको शेयर मार्केट को समझना पड़ेगा। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाना है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करता है तो मान लीजिए कि आप एक पर्सन हैं और आपको जो है शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उसमें कैसे पैसे लगाते हैं, कैसे उससे पैसे कमाते हैं, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, तो आप क्या करोगे? अभी जो है एक अलग टीम बनाई गई है। मान लीजिए एक ये पर्सन है, मैं इसका नाम ए रख देता हूँ। ये ए पर्सन क्या करता है, इसको जो है शेयर मार्केट के बारे में सारी नॉलेज है, इसको पता है कि हमें कैसे कहाँ पैसे लगाना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमारा पैसा बढ़े। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता है तो हम जो है अपना पैसा इसको देंगे और ये अपने दिमाग से जो है स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएगा और वो पैसे कहाँ लगाएगा वो इसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मेरा काम क्या था कि मैंने इसको दे दिया, अब ये ए नाम का बंदा जो है ये अब स्टॉक मार्केट में लगाएगा वो अपनी समझ से, क्योंकि इसको जो है शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज है और ये जो है अपने दिमाग से कहीं भी पैसे लगाएगा और वो हमें प्रॉफिट कमा के देगा। तो इसमें क्या है, हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाता है और इसका रिस्क जो है ये बढ़ जाता है। इसको अपना दिमाग लगाना है कि ये कहाँ पैसे लगाएगा और वो हमें कमा के देगा। तो ये क्या करेगा, जो हमारे कमाए हुए पैसों में से कुछ जो कमीशन होता है वो कमीशन के तौर पर ये लेगा। तो हमारा टेंशन खत्म हो गया है, हमें स्टॉक मार्केट में नहीं जाना है, हमें हमने इसको दे दिया ए नाम के बंदे को। ये एक तरह से ये म्यूचुअल फंड्स है, इसमें हमने अपना पैसा लगाया और ये हमें कमा के देगा स्टॉक मार्केट में, ये अलग अलग कंपनियों में लगाएगा। तो बेसिकली जो है म्यूचुअल फंड्स काम ऐसे ही करता है। अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं जाना है, अगर आपको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करोगे कि आप म्यूचुअल फंड्स में लगाओगे और ये म्यूचुअल फंड्स क्या करता है, वो स्टॉक मार्केट में लगाता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाए और स्टॉक मार्केट में आपने म्यूचुअल फंड में लगाया, म्यूचुअल फंड्स क्या करेगा, स्टॉक मार्केट में लगाएगा वो 100 रुपये को। अब वो 100 रुपये है कल 100 रुपये का 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, तो जिस हिसाब से वो वहाँ बढ़ेगा उस हिसाब से जो है यहाँ पर आपने जो भी इन्वेस्ट की गई होगी आपकी रकम वो आपकी बढ़ेगी और उस बढ़े हुए से रकम में से जो कुछ कमीशन है वो ये बंदा लेगा, क्योंकि इसको सारी नॉलेज थी, इसने आपके पैसे को जो है आगे पहुँचाया और कहाँ लगाना वो इसका जिम्मा था। तो ये जो है पूरा टीम वर्क इसने किया है, तो ये आपको आपसे कुछ कमीशन लेके वो आपका पैसा आपको वापस कर देगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें कभी भी इन्वेस्ट करो, कभी भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अच्छे खासे प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो ग्रो ले लो, ग्रो ऐप ले लो, आपने ग्रो ऐप का नाम सुना होगा और इसकी ऐड भी काफ़ी अच्छी आपने देखी होगी। और पर्सनली ये ग्रो ऐप मैं भी यूज करता हूँ और मैंने भी अपना जो कुछ अमाउंट है वो ग्रो ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में लगा रखा है, तो ग्रो ऐप भी काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको भी म्यूचुअल फंड्स में यूज करने के लिए कर सकते हो। मैंने आपको सिंपली भाषा में समझा दिया कि आप म्यूचुअल फंड्स में कैसे पैसे लगाओगे और म्यूचुअल फंड्स स्टॉक मार्केट को लेकर काम करता है। तो आप बेसिकली, आपको अगर स्टॉक मार्केट में नहीं जाना, उसके बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आप जो है इसमें पैसे लगा के स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हो। तो बेसिकली पूरा जो फंडा था म्यूचुअल फंड्स का यही है। तो आशा करता हूँ कि आप पूरा समझ गए होगे कि कैसे काम करता है और इसमें कैसे पैसे लगाया जाता है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका जवाब देने का। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं एक आई बटन पे लिंक दे दिया हूँ, यहाँ पर मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप जरूर जाके देखिए, वहाँ पर आपको जो है स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। मिलता हूँ इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम।